देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक ऐतिहासिक पहल में बोल्टली इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी है, ने इंदौर के मशहूर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रंजीत सिंह, जिन्हें डांसिंग कॉप के नाम से जाना जाता है, उनके साथ मिलकर शहर की पहली ईवी बाइक रैली का आयोजन किया। यह अनोखी घटना इंदौर के भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रदूषण मुक्त शहरी केंद्र बनने का क्या अर्थ है। इस रैली, जो कि शहर के इतिहास में पहली बार हुई, में डिलीवरी राइडर्स द्वारा संचालित बोल्टली इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक रंगीन बेड़ा इंदौर की सड़कों पर देखा गया। इस आयोजन ने न केवल शहर की स्थिरता और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते महत्व को भी उजागर किया। बोल्टली इलेक्ट्रिक, जो कि एक नवाचारी ईवी स्टार्टअप है, वर्तमान में इंदौर के डिलीवरी राइडर्स को ई बाइक्स किराए पर देने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी में है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर में 500 से ज्यादा ईवी बाइक्स के साथ इस ईवी स्टार्टअप का मिशन सभी पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स को इलेक्ट्रिक में बदलना है, जिससे पारंपरिक पेट्रोल बाइक से जुड़े उच्च लागत और रखरखाव के मुद्दे का समाधान हो सके। बोल्टली इलेक्ट्रिक अपने ई बाइक्स को आधी किराए की लागत पर और पूर्ण रखरखाव के साथ प्रदान करता है, जिससे राइडर्स के लिए एक सस्ती और झंझट मुक्त विकल्प बन जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देकर बोल्टली इलेक्ट्रिक का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान देना है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने नीति आयोग के शून्य अभियान के साथ साझेदारी की है, जो देश भर में शून्य प्रदूषण वाली गतिशीलता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। बोल्टली इलेक्ट्रिक के संस्थापक लविनेश दयालानी ने इस पहल पर अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, बोल्टली इलेक्ट्रिक में हम स्थायी ऊर्जा में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ऐतिहासिक रैली हमारे मिशन का प्रमाण है कि हम पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान प्रदान करने के साथ साथ हमारे डिलीवरी राइडर्स को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के करीब आते हुए हम एक नई तरह की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन निर्भरता से स्वतंत्रता। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह, जिन्होंने अपनी अद्वितीय ऊर्जा से रैली को प्रेरित किया, उन्होंने कहा, बोल्टली इलेक्ट्रिक की यह पहल इंदौर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वतंत्रता केवल इतिहास के बारे में नहीं है, यह उन सचेत विकल्पों के बारे में है जो एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करके हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ट्रैफिक जागरूकता और सुरक्षा नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रैली के दौरान मुझे राइडर्स के साथ बातचीत करने का अवसर मिला और उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया। सुरक्षित ड्राइविंग एक स्थायी और जिम्मेदार समुदाय की नींव है। मुझे इस पहले प्रकार की रैली का नेतृत्व करने पर गर्व है और श्री लविनेश दयालानी के साथ साझेदारी में काम करते हुए खुशी हो रही है, जिनका सतत विकास के लिए दृष्टिकोण अत्यधिक मूल्यवान है। बोल्टली इलेक्ट्रिक सीमाओं को पार करे और पर्यावरण के अनुकूल नवाचार में अग्रणी बना रहे। यह भूतपूर्व रैली न केवल स्वच्छ शहरी परिवहन में संक्रमण के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि डिलीवरी राइडर्स के जीवन को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता का भी प्रदर्शन करती है, जिससे उन्हें पारंपरिक ईंधन संचालित बाइक्स के लिए एक स्थायी और किफायती विकल्प मिलता है। हाँ सर, हमारा बोल्टली इलेक्ट्रिक नाम से स्टार्टअप है और इंदौर में हमें 4 महीने हो चुके हैं और हमारा ये मोटिव है कि जितने भी पेट्रोल बाइक्स हैं हम उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स पे शिफ्ट करें। और हमारा मॉडल सिंपल है, हम डेली रेंटल चार्ज करते हैं और जितने भी लोग हैं जिन्हें पेट्रोल बाइक, जो डिलीवरी बॉयज कर रहे हैं, जिनको पेट्रोल बाइक छोड़ के इलेक्ट्रिक बाइक पे कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं। और ये रैली हमने इसीलिए निकाली है 15 अगस्त के दिन कि एक हमारा ये मोटिव है कि हमें प्रदूषण से आज़ादी चाहिए, तो ये आज़ादी की रैली है। प्रदूषण से आज़ादी की जो रैली है हमने वो निकाली है और हमारा ये है कि हम इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी से ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाएं, ताकि पेट्रोल का जो पोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक बाइक से बिल्कुल वो पोल्यूशन कम हो। और जैसे इंदौर को 7 साल से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल रहा है, वैसे कहीं ना कहीं पोल्यूशन फ्री ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का भी अवार्ड
दिलाने में हम चाहते हैं कि इंदौर सबसे नंबर वन रहा है, तो ये रैली उस रिलेटेड निकाली है सर। देखा हमने कि आपकी और सर हमारी ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आर रहता है, और ये आपका ये रहता है कि जो भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो भी ये गाड़ी चला सकते हैं, बट फिर भी हमारा ये जो रैली है हम ट्रैफिक अवेयरनेस में भी चला रहे हैं। हम अपने राइडर्स को पूरा ट्रैफिक रूल्स एंड ये सब फॉलो करा के उन्हें बता रहे हैं कि गाड़ी कैसे चलती है। एक बार में ये गाड़ी 90 किलोमीटर रेंज में चलती है, और आज 4 महीने से हमारे 100+ राइडर्स चल रहे हैं इंदौर में, और हमने तकरीबन हमने 10,000 kgs ऑफ CO2 प्लस एमिशंस हमने रिड्यूस किए इन 4 मंथ्स। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाया जाए, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बोला भी ग्रीन सिटी बनाया जाए, और एक अच्छा इनिशिएटिव लेके ये रैली निकाली जा रही है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं चौराहों पर, तो हमें बताया कि कितने लंग्स हमारे प्रदूषण से ख़राब हो रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, अगर लोग कन्वर्ट करते हैं अपने आप को ई बाइक्स में, कोई सी बाइक हो अगर ई बाइक चला रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ होगा। साफ सफाई तो हम हैं ही हैं, अगर हम स्वच्छ भी हो जाएं और हमारी एनवायरनमेंट दिल्ली सरी का ना हो, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना कभी भारी पड़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सिटी क्लीन सिटी तो है ही सही, और स्वच्छता में भी नंबर 1 हम आएँ, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करें अपने आप को ई बाइक्स में, ताकि एनवायरनमेंट जो है हमारा स्वच्छ हो सके। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।